नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के वार्ड नंबर 17 के इस समय वार्ड नंबर 17 में मौजूद हैं और आप यहां के हालात देख सकते हैं। रंजीत कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं यहां पर जो भी है स्वामी विवेकानंद स्कूल यहाँ पर है, साथ में रंजीत कॉलोनी में, और देख सकते हैं कितने बुरे हालात यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कोई निकासी की सुविधा यहाँ नहीं है, ना कोई सड़क का निर्माण यहाँ पर है, जैसा कि आप लोग लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। आने जाने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं। और निकासी के लिए, जैसा आप देख रहे होंगे तस्वीरें, यहाँ पर गटर का ढक्कन उठाकर जो पानी ओवरफ्लो होता है उसकी निकासी की यहाँ से की जाती है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ है, आज तक कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर? ना जी, यहाँ कोई विकास नहीं भाई साहब। कोई एमसी कभी पूछने आया, कोई नेता पूछने आया? आते हैं, आके घूम फिर के देख के हाँ भर के चले जाते हैं, बाकी कुछ होता ही नहीं है। कोई आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा? हो जाएगा, आश्वासन ही रह जाता है, और तो कुछ है ही नहीं है जी। हाँ बताइए जी। जी अरोड़ा जी आए थे यहाँ पे, क्या कह रहे थे? वो तो कह रहे जी मेरे जब मेरा काम होगा जब मैं आऊंगा, वैसे नहीं आता मैं यहाँ। वैसे नहीं आएंगे? हाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि वोट दिए थे आपको? सब कहा था जी। वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, तो स्कूल के फंड से नहीं आया यहाँ काम देखने, कोई ना आए हम भाई, इससे अच्छे दिन सीधा कहा था उन्होंने तो हमारे को। तो देख सकते हैं लोगों ने कहा है, घनश्याम दास अरोड़ा यहाँ पर आए थे स्कूल के फंक्शन पर, जब यहाँ के आसपास के लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की कि यहाँ का सुधार करवाइए, तो उनका कहना था कि हम तो स्कूल के फंक्शन में आए थे। तो देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अम्मा जी, क्या आज तक कोई सुधार नहीं है, कोई नेता नहीं आया? भाई कोई सुधार नहीं आया, हम तो यही रहते हैं। और इतनी बदबू है, बदबू है, क्या करें? जब अम्सी के पास जाते हैं, एमसी कहता है क्या करें हम जी। एमसी कौन है यहाँ के? अरे वो जनानी है, बीना शर्मा। हाँ, क्या कहती है बीना शर्मा? आई थी, बुलाए थे, वो कह रही बता मैं जनानी होके मैं क्या करूँ। अच्छा, उनका काम ये है कि वो कह रही है क्या करूँ? हाँ, बता मैं कहाँ जाऊँ जी। अब हमसे ये कहते हैं भाई जिस, तो और भी लेडीज से जो महिलाएं हैं बात करने, क्या कहेंगे? एमसी कभी आया, कोई नेता आया? कोई नहीं आया भैया, यहाँ हम तो बहुत गंदगी में रह रहे, ना सीवर चला रहे, ना कुछ कर रहे, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ हमारा, कोई सुनते नहीं, पानी का निखार ही नहीं है कहीं भी। एमसी एमसी से कभी बात की आपने? भैया जाते हैं वो अती नहीं, करी मैं क्या करूँ जनन्नी होके, मतलब ये कहती है कि मैं जनानी हूँ तो क्या करूँ? तो आपने पूछा नहीं कि वोट दिए थे हमने? वोट तो हमने उसी को दे रखा सारा, तो यहाँ आने के लिए मना करती है? यहाँ आती नहीं हो कभी, क्या कहती है? क्या हम क्या करें भाई, जिस तरीके से पीने के पानी में भी वो कह रही है पानी पानी सीवर नहीं चलाना है। अब जैसे बारिश का माहौल है, बारिश आ रही है, अब बनेगा घरों में लोगों के पानी, घरों में बढ़ जाता है पानी हमारे, तो देख पा रहे थे आप लाइव तस्वीरों में कि यहाँ के हालात, मोहल्ले वाले यहाँ पर परेशान हैं कि इनका यहाँ का सुधार हो जाए। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, लोग यहाँ पर वीना शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के हालात बद से बदतर है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात है यहाँ के, और यहाँ से बंदा जा भी नहीं सकता, पैदल अगर किसी व्यक्ति ने जाना हो तो यहाँ से जा नहीं सकता। कितने बुजुर्ग कितने परेशान तरीके से यहाँ से आते हुए नजर आ रहे हैं, देख पा रहे थे आप लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ पर भाई साहब हमारे साथ है, सर शुभ नाम आपका? सुनील कुमार जी। सुनील जी, जिस प्रकार से यहाँ परेशानियाँ हैं, कोई नेता मंत्री या पार्षद कोई सुनने आता है? सर यहाँ पे कोई भी नहीं आता जी, सब आते हैं स्वाद लेके चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है जी। पानी है, पानी खड़ा होता है, और यहाँ पे वारदातें काफ़ी हो चुकी हैं इस टाइम, 5-6, 2 तो लड़कियाँ मर चुकी हैं यहाँ पे, और 2-3 लड़के ही मर चुके हैं यहाँ पे बीमारी के वजह से, जी। आप रिकॉर्ड चेक करें, देखो सिविल हॉस्पिटल में रिकॉर्ड मिलेगा आपको इसका सारा, इस कॉलोनी के अंदर जब भी कोई आता है बात करके झूठा वादा करके चला जाता है, फिर दोबारा कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, बस पानी के चक्कर में। ये देखो तो सड़क का साथ सबके विकास का वादा किया जाता है, आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस सर अब मारो क्या पता जी इसके बारे में, आते हैं यार, बटला भी आता है, बटला है उनका कैम में, वो भी आता है, आगे चला जाता है, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, और बीमारी फैल रही है, पानी देखो कहाँ तक होया पड़ा, बीमारी बीमारी फैल रही है, देखो मिट्टी गिर रही है कि पानी वहाँ से रुक जाए। ये मिट्टी किसने गिरवाई? पल्ले से गिरवानी पड़ रही है लोगों को, अपने पैसे लगा रहे हैं सारे के सारे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। तो आप लोग जैसे टैक्स भर रहे हैं, क्या आपका अधिकार नहीं है यार? है, आप कोई सुने तभी ना, कोई सुनता ही नहीं है, सारे परेशान हो पड़े हैं, गरीब बंदों को हर कोई दुबाने सोचता है।
गरीब बंदा क्या कर लेगा। तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है किसी। हाँ जी, हो रहा है, नहीं होती कोई सुनवाई नहीं जी। तो देख सकते हैं लोगों का यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि सुनवाई यहाँ पर हमारी नहीं होती है क्योंकि हम गरीब हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा कि ये गरीब हैं इसलिए इन लोगों की सुनवाई नहीं होती। हालात आप देख सकते हैं, यहाँ के हालात बद से बदतर है। सरोजनी कॉलोनी की ये रंजीत कॉलोनी नज़दीक स्वामी विवेकानंद स्कूल की ये तस्वीरें हैं। विधायक जी यहाँ पर पहुँचे थे एक बार प्रोग्राम में, कोई आश्वासन नहीं दिया किसी भी प्रकार, कुछ भी नहीं दिया जी। उनकी हमने कार भी रोकी थी यहाँ पे कि सर हमारे ये मसले का हल कर दो। वो कहते जी हम तो फंक्शन में आए हैं, हम फंक्शन देख के जाएंगे, बाद में हमारे पास वहाँ पे कंप्लेंट भेजो, कह रहे कंप्लेंट लेके आना वहाँ पे फिर मैं आऊँगा। तो मतलब कि विकास के लिए कंप्लेंट लेकर आए, उसके बाद कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो देख सकते हैं विधायक घनश्याम दास अरोड़ा यहाँ पर पहुँचे थे और स्कूल के फंक्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, पर लेकिन लोगों ने बताया कि उनको रोका गया था और उनके सामने अपनी परेशानी रखी थी, पर उन्होंने बताया कि इसके लिए हमारे पास कंप्लेंट लेकर आए। तो देख सकते हैं किस प्रकार के लोगों के साथ जो सबका साथ सबका विकास यहाँ पर किया जा रहा है और सबके साथ सबके विकास के नारे के जो नेता हैं वो किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि हमारे पास सामने पता होता है कि ये कंप्लेंट है, पर लेकिन कहते हैं कि लिखित में कंप्लेंट लेकर आइए। तो देख सकते हैं यहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो और महिलाओं से जानेंगे क्या कहेंगे बहन जी। घर में जाएगा, ये पानी की समस्या है बस, और क्या कह सकते हैं इसमें। बच्चे बीमार हो रहे हैं, पब्लिक भी बीमार हो रही है। लाइट का नहीं है जी यहाँ से, देखो यही रास्ता है, मैं निकलने का रास्ता बंद पड़ा है हमारे लिए, यहाँ पैदल निकलने का रास्ता भी नहीं है। सरकार सबका साथ सबके विकास का नारा देती है, आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सर क्यों, ये तो पता होगा, एमसी को पता होगा, हम तो सभी के साथ है, हमारे साथ जो कहते हैं चले जाते हैं जी। तो ये देख सकते हैं वार्ड नंबर 17 की ये तस्वीरें हैं। वीना शर्मा यहाँ की एमसी है और विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ स्कूल के प्रोग्राम में आए थे पर उन्होंने हमारी परेशानी नहीं समझी कि हमारे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो देख पा रहे थे लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। सर वहाँ पे जो पिछले एमसी थे उन्होंने सीवरेज का कनेक्शन दिलवाया था लेकिन मेन होल से नहीं जोड़ा था। अब पानी का कहीं भी पिछले पंद्रह साल से कोई वो सोल्यूशन नहीं निकाल सका था। हमने बूस्टर के थ्रू मोटर रखवाई है तो जिससे पानी, ये जो जितने भी रंजीत कॉलोनी का पानी है, स्वामी विवेकानंद स्कूल के साथ जो गलियाँ लगती हैं उनका पानी निकाला जाए। लेकिन अब कनेक्शन तो पब्लिक ने लेना है ना, पब्लिक कनेक्शन लेगी तो तभी सोल्यूशन हो सकता है। मैं पानी वहाँ पे चढ़ाया, वहाँ पर विजिट करके आई। हाँ गई थी मैं। पानी इसलिए वहाँ पे खड़ा है क्योंकि पब्लिक ने सीवरेज का कनेक्शन लिया नहीं है। कनेक्शन लेगी तो मोटर पानी खींचेगी ना। अब उधर पहले उनको आदत शुरू से पड़ी हुई है उधर खेतों में पानी छोड़ने की। वो जो जिनका प्लॉट वगैरह था उन्होंने मिट्टी डाल के वो बंद कर दिया, उसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ वहाँ। तो जब तक वहाँ पे पब्लिक वही सीवरेज का कनेक्शन नहीं लेगी कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता है। वहाँ के लोगों का कहना है उनसे पैसे लेकर एक तरफ दीवार खड़ी करवा दी गई जिसकी वजह से वो हमने नहीं ली है, वो हमारा काम नहीं है। वो जो जिनका ये प्लॉट वगैरह था वो पब्लिक से वहाँ से बात कर सकते हो आप, उन्होंने करवाया वो सिस्टम। मैम एक और आरोप लगा रहे हैं कि पहले आप उन्हें कहते थे कि आप नैलो में हैं इस वजह से काम नहीं हो रहा, जब आप भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और सरकार भी भाजपा की है तो उनका कहना है कि अब भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर बूस्टर लगवा दी है, मोटर लगवा दी है तो अब पब्लिक कनेक्शन तो खुद लेगी ना, वो लेगी तो तभी कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। ऐसे तो पानी अदरवाइज वहीं पे खड़ा रहेगा, वो हमारा बूस्टर लगवाने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। पिछले 15 साल से जो किसी ने नहीं ना करवाया वो हम लोगों ने करवाया है, पब्लिक कोऑपरेट करेगी तभी काम चलेगा ना। कहीं ना कहीं से राजनीति से जोड़ रहे हैं क्योंकि आप पहले इनेलो में थे, उनका कहना है कि इस चीज़ का हवाला देकर आपने मना कर दी थी कि ये काम नहीं हो पाएगा और अब वो कह रहे हैं कि भाजपा में आ चुकी हैं, सरकार में है। नहीं ऐसा ऐसा कोई नहीं है, भाजपा करवाना है हमने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनकी समस्या कब तक हल हो पाएगा, कैसे हल हो पाएगा? हल भैया मैं वही सर वही बोल रही हूँ ना मैं आपको, हल आज हो जाएगा अगर जो पब्लिक कनेक्शन ले, पब्लिक सीवरेज का कनेक्शन तो खुद पब्लिक लेगी ना। हाँ तो वो ले रही, पब्लिक सीवर का कनेक्शन नहीं ले रही, इस वजह से समस्या। हाँ इस वजह से है, बाकी हमने पब्लिक हेल्थ वालों को फ़ोन किया था, वो कल हमारी टीम आ जाएगी, वो पानी का जो सोल्यूशन है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, जो है वहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हुआ है वो मोटर के थ्रू खींच लिया जाएगा। तो आपको कितने दिन से शिकायत मिल रही थी? मुझे आज ही मिली है।
कंप्लेन आज ही मिली है, आज सुबह ही कंप्लेन मिली है। मैं विजिट करके आई थी, देख के आई थी वहाँ पे, साथ के साथ मैंने पब्लिक हेल्थ वालों को फ़ोन किया है, तो अब टीम सुबह पहुँचेगी।